हाय गाइस, आप देख रहे हैं प्याज़ों को, कितने इनोसेंट, प्यारे और मासूम लग रहे हैं, लेकिन ये तब रुला देते हैं जब बहुत महंगे बिकते हैं, इनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मार्केट में, और एक तब रुलाते हैं जब हम इनको छीलते हैं और काटते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन से बचने के लिए मैंने ये एक वीडियो बनाई है। आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखना और मुझे बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और देखते हैं ये वीडियो आगे। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोई हॉल के बारे में वीडियो नहीं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ कि किचन में हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें रुला देती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं अगर हम उसे काटते हैं, तो वो है प्याज। तो मैं प्याज के बारे में आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से उसको ऐसा मैं उसका कुछ बनाती हूँ जो वो मुझे इरिटेट नहीं करता है यूज़ करते समय, और टाइम भी वेस्ट नहीं होता है भूनने में। और मैं, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम प्याज काट रहे हैं और हमें आंसू आ रहे हैं आंखों में और अचानक से डोर बेल बजती है, मेन डोर बेल, तो इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे? क्या हम किसी को बता पाएंगे कि ये जो आंसू हैं वो प्याज के हैं? अननोन या नॉन पर्सन, जो भी पर्सन होगा वो तो कुछ भी सोच सकते हैं। तो बहुत सी सिचुएशन होती हैं जो हैंडल नहीं कर पाते हैं। एक बात और बताऊँ, अगर प्याज को हम भूनने बैठते हैं तो चाहे वो, जैसे वर्किंग वुमेंस हैं तो वो सुबह सुबह इस तरीके की मेहनत नहीं कर पाती हैं कि प्याज को काटें, आंसू बहाएँ और इतना सारा उसके अंदर टाइम वेस्ट करें। तो उसके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा कि मैं जो अभी आपको रेसिपी बता रही हूँ कि किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम कहीं से घूम के आते हैं और बाहर भी खाना नहीं जब खाना है हमें अगर, तो फिर हमें रात में अगर जल्दी जल्दी खाना बनाना है तो हम किस तरीके से प्याज को अपना स्टोर करके रख सकते हैं, और हमारा टाइम बच सकता है, टाइम भी बचेगा और जो फ्यूल है, जो हमारा गैस सिलेंडर है, वो भी बचेगा, और बहुत सी बेनिफिट्स होते हैं। ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ये किस तरीके से हमें अपने जो प्याज है उसको सुखा के हम अपने कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जो मैं वीडियो आपको अभी क्लिप दिखाऊंगी उसके जरिए आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से बढ़िया तरीके से आप प्याज को अपने घर में सुखा के स्टोर कर सकते हैं, और बहुत ही इजीली आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं कभी भी, सुबह शाम या जब भी आप जल्दी जल्दी में हैं, कहीं पर जाना है और जल्दी जल्दी खाना बनाना है, तो भी आप इसको बड़े आसानी से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और तो आंसू तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्लिप। ओके, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले किस तरीके से अपना टाइम वो बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लिप। ओके, लेट्स गो। हेलो एवरीवन, आप मेरी क्लिप देख रहे हैं, इसमें मैंने प्याज को छील के धो दिया है और पानी निकलने का वेट कर रही हूँ। अब हम चॉपर में इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। आपके पास कोई भी चॉपर हो, मेरे पास तो इस तरीके का चॉपर है जिसमें छोटे छोटे चोकोर चोकोर पीस होते हैं, और मुझे 3 से 4 दिन इसको सुखाने में लगेगा धूप की सनलाइट में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से चॉपर में एक एक प्याज हम उसको डाल के और चॉपर में इस तरीके से चॉप करते चले जाएंगे, और कुछ वक्त तो लगता है लेकिन बाद में सुविधा हो जाती है। देखिए इस तरीके से ये चॉप हो चुका है, आप ऐसा देख सकते हैं, ये छोटे छोटे पीसेस आपको दिख रहे हैं, और आप देखिए ये पूरा एक थाल मैंने कर दिया है, पूरा 3 से 4 किलो प्याज को मैंने इस तरीके से चॉप कर दिया है। अब इसको मैं धूप में सुखाने के लिए रख दूंगी। ये देखिए मैं इसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया है इसको। अब ये 3 से 4 दिन मुझे इसको सुखाने में लगेंगे, और जब ये थोड़े थोड़े सूखते हुए चले जाएंगे तो थोड़े सिकुड़ते हुए चले जाएंगे, छोटे होते हुए जाएंगे, मतलब पास पास हो जाएंगे। तीन से चार दिन या 5 दिन तक हम इसको फुल धूप में रखेंगे, और जब ये क्रंची सी ऐसी आवाज़ आने लग जाएगी तब हम समझ जाएंगे कि हमारे जो प्याज हैं वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब हम इनको एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे, और बस इतना ध्यान रखेंगे जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये अब कम क्वांटिटी में ही यूज़ होगा। तेल में डालते ही ये एकदम जल्दी से ब्राउन हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। और ये मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।